वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। सुबह के यहाँ पर देखिए, सुबह के 5:20 हो गए हैं और मैं इस समय हरिद्वार में हूँ। हरिद्वार से निकलेंगे सीधे मथुरा के लिए, मथुरा में जाएंगे वृंदावन। वृंदावन पहुँच कर आपको हम प्रेम मंदिर और गोवर्धन, जो कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाया था, वो वाला आपको गोवर्धन दिखाएंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है, तो बने रहे वीडियो में। तो अभी तो फ्रेश वगैरह हो रहे हैं और चाय पी लें और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे सीधे स्टेशन पे, स्टेशन पे ट्रेन पकड़ेंगे मथुरा के लिए। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो यहाँ पर ये बस स्टेशन पर, यहाँ पर लेटरिंग की सुविधा है। चाय वाला आ गया भाई, चाय भाई पहले पी लें। चाय वाला भाई, ये चाय वाला, चलो भाई चाय एक उठाओ। चलो भाई हम लोग चाय पी रहे हैं, ये सुबह की चाय है भाई। ये कहाँ की है? हरिद्वार की चाय। तो फ्रेश वगैरह हो गया है, आप जल्दी से मोबाइल चार्ज कर लें, मोबाइल डाउन। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ सुरक्षित मथुरा जंक्शन पे और अभी जस्ट अभी ट्रेन से उतरा हूँ। अब फिर आराम कर लें और फिर चलते हैं वृंदावन के लिए। कदम साग सखी वृंदावन जाऊंगी। इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ मिला दे, ये देखिए मथुरा की, मथुरा जंक्शन। तो गाइस मैं इस समय मथुरा जंक्शन पे हूँ और यहाँ से जाएंगे सीधे वृंदावन के लिए और वहाँ पर आपको दिखाएंगे गोवर्धन पर्वत, जो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाया था, वो वाला पर्वत दिखाएंगे और प्रेम मंदिर जाएंगे। और अभी तो फिलहाल मुझको भूख लगी है, मुझको 7-8 घंटे हो गए हैं कम से कम हरिद्वार से मथुरा तक आने में। तो पहले तो वहाँ से पूजा कर लें, उसके बाद जाएंगे सीधे वृंदावन के लिए। तो मिलते हैं आपको यहाँ पर वृंदावन नगर जा रहे हैं हम लोग। और हमारे टिंकू भाई साहब देखिए, आज ट्रेन पर बहुत मजा लिया इन्होंने। और ये है गोविंद भाई साहब और ये तो पूरे दिन गेम खेलते रहे। ये देखिए सोलंकी, सोलंकी कितनी अच्छी मुस्कान है इनकी यार, जुल्फे संवारी उन्होंने टिंकू भाई साहब ने। देखिए टिंकू भाई साहब ने बहुत जुल्फे संवारी हमारी ट्रेन में, इनके ऊपर बड़े बड़े देखिए गाइस कितनी बढ़िया यानी खूबसूरत यहाँ पर की है, बढ़िया बस सोने आई थी थाली मिली थी, चांदी आई थी सोने से लेके भाग यहां देखो ना। अब कई दिन दिखा मुझे चांदी आई सोनो आए, दोनों रे काम चले और चले जा घर में तो जाकर बस जल्दी में दिखाना आई है। पेट में चूहा दौड़ रहे सब, हम ना दौड़ रहे सही, बिल्कुल दौड़ नहीं रहे, बिल्कुल ना दौड़ रहे हम, बिल्कुल सही है। देखिए भाई इनकी मुस्कान नहीं निकल रही है चेहरे से, मुस्कान हटी हुई है बिल्कुल, तोते उड़ गए हैं बिल्कुल चेहरे के। दो पराठे लगाने एक थाली। यहाँ पर सब्जी आ गया है, अचार और यहाँ पर
की यहाँ पर कमी है, एक और कड़ी तो गाइस खाना भी हो गया है, अब जल्दी से टैक्सी में बैठें और जाएं सीधे वृंदावन नगरी को। आपको दिखाते हैं वृंदावन नगरी कितनी खूबसूरत है और वहाँ पर मंदिर कितने विशाल विशाल मंदिर बने हुए हैं। और तो चलते हैं सीधे टैक्सी करते हैं। तो गाइस हम लोग रिक्शे में बैठ चुके हैं और सीधे वृंदावन के लिए, वृंदावन नगरी के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ही क्षणों में वृंदावन नगरी में होंगे, तो मिलते हैं आपको कुछ ही महीने। वरदान मिल गया आपको क्या टिंकू भाई साहब? हाँ बिल्कुल वरदान मिल गया। अच्छा सही है, वरदान तभी वृंदावन घूमने आए आप। देखिए भाई यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं वृंदावन में। यहाँ पर देखिए मेरा वृंदावन, यहाँ पर यही मेन गेट है वृंदावन के एंट्री के लिए। और हम सब लोग जा रहे हैं वृंदावन में एंट्री, यानी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मेरा वृंदावन लिखा हुआ है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ वृंदावन में, यानी कि एंट्री हो चुकी है हमारी। तो बस हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, तो सीधे हम यानी कि पैदल ही यात्रा करेंगे प्रेम मंदिर तक। तो हम सभी लोग जा रहे हैं यहाँ पर देखिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए शेरा वाली माँ की मूर्ति कितनी यानी कि बड़ी यहाँ पर बनी हुई है। अब हम जाएंगे घूमते हुए माता रानी के पास। तो पहले तो हम देखें भाई रत्ता कैसी है, कहीं में जाया जाता है। तो धीरे धीरे भाई चलते हैं, पैदल ही जा रहे हैं। गाइस यहाँ पर वृंदावन का ये बस स्टैंड है, यहाँ पर देखिए। गाइस प्रेम मंदिर पहुंचे थे, अंधेरा हो गया है। अंधेरा हो गया भाई, बस कुछ नहीं, लेकिन आगे जाकर आएगा मजा। बाकी ये भाई देख रहे हैं कितने अच्छे चले, देखने के लिए कुछ दर्शन आपको कराएंगे हम प्रेम मंदिर के। तो चल रहे हैं हम।